आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये हैं श्री मोहम्मद उत्तर प्रदेश से और मछली पालन कर रहे हैं। इनके मछली पालन में कुछ समस्या है और इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और फिर उसका समाधान करेंगे। हेलो मोहम्मद बोल रहे हैं? हाँ सर। उत्तर प्रदेश से, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल मैं मुंबई में हूँ सर, मैं यूपी का रहने वाला, बलरामपुर जिले का। अच्छा, आपने मछली पालन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी? जी सर, मैं मछली के बारे में ये पूछ रहा था सर, जो मैं मछली में पालन किया था तो सर वो पानी जो है हरा हो गया था। हाँ हाँ हाँ, तो पानी हरा हो गया तो उसी को मैं फिल्टर करने के लिए जानकारी लेना चाहता था कि ये पानी जो आप फिल्टर कैसे हो। अच्छा मोहम्मद भाई, इसमें ऐसा किया जाता है, पानी को साफ रखने के लिए एक तो थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी निकाला जाता है और नया पानी डाला जाता है ताकि थोड़ा पानी का बदलाव हो। बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6% पानी रोज बदलते रहना चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा ताज़ा पानी हो और पानी में सड़ा ना आए। अगर हरापन आ जाता है या गंदेलापन आ जाता है तो हम कुछ चूना भी तालाब में डालते हैं, तो वो जो गंदगी है वो नीचे जम जाती है तो साफ हो जाता है पानी, तो ये करना ज़रूरी है। तो अगर 1 एकड़ का तालाब है आपका तो लगभग 100 किलोग्राम चूना एक बार आप डाल सकते हैं, बिखेर सकते हैं। एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो ये भी है कि समय समय पर पानी का जांच भी करवा लें, खास करके पीएच का, कि वो खारा हुआ है या तेजाबी हुआ है, किस तरह से उसमें पीएच बदल रहा है। तो पीएच जो होना चाहिए लगभग 7 के करीब रहना चाहिए, जो कि सामान्य पीएच है, तो उसमें मछली अच्छा पनपता है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपका मछली का पैदावार भी ठीक रहेगा, खुराक तो आप देंगे ही उसको, लेकिन पानी भी साफ रहेगा और गंदा नहीं होगा। और जो मछली को पानी में ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो भी बराबर मिलता रहेगा, उसकी वजह से मछलियाँ जिंदा भी अच्छा रहेंगी। तो ये आप करें और अपने पानी को साफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, अपने घर पे ये बता दें बात कि किस तरह से इन्हें पानी को साफ रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।